एक चीज मैं राहुल जरूर बोलना चाहूंगा, मैं सारे आपके व्यूअर्स को, कि राहुल इज डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब, यू मस्ट सपोर्ट हिम, ही इज गिविंग गुड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन. लोग काफ़ी अरसे से फंस जाते हैं, उनको आंसर्स नहीं मिलते, तो इस राहुल को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल VPS ट्रैवल, और मैं आप सभी का फ्रेंड राहुल शेरावत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मिलने जा रहे हैं एक खास शख्सियत से जो FRRO का काम लगभग 25 सालों से काम कर रहे हैं और लगभग 1000 से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ डील कर चुके हैं. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम मिलते हैं संदीप सर से. हेलो संदीप सर. हेलो हेलो. तो संदीप सर, आप मुझे FRRO की अपनी जो कंप्लीट जर्नी रही है, आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा है, आपने कैसे अपनी ये S2 इमिग्रेशन स्टार्ट किया, तो उसके बारे में ज़रा बताइए. राहुल, ऐसा है कि मैं एक कंपनी में काम करता था एंड उस कंपनी का मैं डायरेक्टर होता था. इंटरनेशनल रिलोकेशन कंपनी थी एंड उनके लिए मैं काम करता था, और उनमें एक सर्विस होती थी एक्सपैट मैनेजमेंट के अंदर FRRO सर्विसेज. तो मैंने उस टाइम से FRRO का काम देखना स्टार्ट किया, देखा क्या रेवोल्यूशन आई है, क्या चेंजेस आए FRRO के थ्रू. एंड 11-12 साल पहले मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी. मैंने कहा मैं खुद सर्विस देना चाहता था, खुद कुछ करना चाहता था. तो फिर मैंने अपने 11 साल पहले S2 इमिग्रेशन स्टार्ट करी, लोगों को हेल्प करने के लिए. FRRO के रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं, चाहे वो फॉरनर्स हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हो, चाहे बिजनेस वीज़ा पे हो, चाहे टूरिस्ट वीज़ा पे हो, चाहे एग्जिट परमिट चाहिए हो, चाहे OCI कार्ड चाहिए हो, चाहे इंटर कंपनी ट्रांसफ़र करना हो, तो मैं पिछले 11-12 साल से अपना काम कर रहा हूँ. जी सर, तो कुछ सवाल हैं जो मेरे को काफ़ी परेशान कर रहे हैं FRRO से रिलेटेड, क्योंकि कई सारी क्वेरीज मेरे पास आती है तो हम उनको रिजॉल्व नहीं कर पाते. तो आज मैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बना के लाया हूँ, और इससे हमारे जो ऑडियंस है उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी. तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ. तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है सर, ये FRRO रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है? देखिए, आप लोगों को पता होगा FRRO का मतलब क्या है, फॉरनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस. कोई भी फॉरनर अगर इंडिया आता है, स्पेशली बिजनेस पर्पज़ के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वहाँ पे अपना स्टेटस इंडिया में वो अपना स्टेटस चेंज कर रहा होता है, और वो इंडिया का एक रेजिडेंट परमिट उसको इशू होना होता है. एंड उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू दी FRRO ये डिटर्मिन किया है कि उसको FRRO के साथ रजिस्ट्रेशन करना है. और जब रजिस्ट्रेशन करता है, एक रेजिडेंट परमिट मिलता है. रेजिडेंट परमिट उसको अलाउ करता है पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए, बैंक अकाउंट खोलने के, अमाउंट रिसीव करने के लिए, और उसका स्टे इंडिया में लीगल करने के लिए. नॉर्मली जितने भी रेजिडेंट परमिट्स इशू होते हैं वो 1 साल के लिए होते हैं, और इन कंट्री रह के वो इंडिया से एक्सटेंड होते हैं. जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी सर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, आपको लगभग 25 इयर्स इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं, तो क्या मेजर चेंजेस आप देखते हैं FRRO में अभी तक हुए हैं? बेसिकली क्या होता था, पहले खुद जाना पड़ता था और क्लाइंट को खुद जाके सबमिट करना पड़ता था, एंड बड़ा टाइम कंज्यूमिंग था. अब गवर्नमेंट ने कोविड से पहले ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है. सो कहने को तो ये ऑनलाइन है, बट इसमें काफ़ी न्यूएंसेस होती हैं जो ध्यान से एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन को लेके, कंपनी से लेटर को लेके, इनकम टैक्स रिटर्न्स को लेके. सो काफ़ी चेंजेस आए हैं, एंड जब तक आप इस सिस्टम में नहीं हो तो टोटली पता नहीं लगता क्या करना है. ऑल द गवर्नमेंट ने काफ़ी सिंप्लीफाई करा है, बट तभी भी एक्सपीरियंस मैटर करता है इस इंडस्ट्री में. जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, क्या हम जो ई टूरिस्ट वीज़ा है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ पॉसिबिलिटी है उसकी? देखिए, अगर आप फॉरेनर हो तो ई टूरिस्ट वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन होती है 30, 60 या 90 डेज, चाहे आपका वीज़ा वैलिड हो 1 साल के लिए. बट अगर आप फॉरेनर हो, टूरिस्ट वीज़ा इज़ नॉट एक्सटेंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल. कुछ एक केसेस होते हैं जिसमें अलाउ करते हैं, जैसे कोई इंडियन मदर हो, उसका बेटा कैनेडा में पैदा हुआ हो, वो इंडिया आया हुआ हो, वो किसी कारण से उसका ट्रिप डिले हो रहा हो, तो उस केसेस में प्रोविजन है FRRO के पास कि वो उसको एक्सटेंड कन्वर्ट करे पहले और एक्सटेंड करे. टूरिस्ट वीज़ा नहीं एक्सटेंड होता है, उसको फैमिली वीज़ा में कन्वर्ट करके फिर एक्सटेंड करना होता है. तो वो केस टू केस FRRO डिसाइड करती है. मोस्टली उस केस में होती है जहाँ पे कोई एक पेरेंट इंडियन होता है या इंडियन ओरिजिन के होता है. इसके बावजूद एक और सिचुएशन होती है, वो होती है मेडिकल. जैसे आप हॉलीडे पे आए, खुदा ना खास्ता आपको कोई चोट लग गई, पैर टूट गया, आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, तो उस केस में FRRO अलाउ करती है कि आप टूरिस्ट वीज़ा को मेडिकल वीज़ा में कन्वर्ट करें,
और उसको आप एक्सटेंड करें। बट मेडिकल वीज़ा में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स होने चाहिए। जी, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन ये है कि जो आपने फैमिली वीज़ा के बारे में बताया, उसके बाद एक OCI ऑप्शन भी होता है, तो वो क्या है? और मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि हम इंडिया से अप्लाई करें या फिर जिस कंट्री में अभी हम रहते हैं वहाँ से अप्लाई करें, तो बेटर ऑप्शन आप क्या रिकमेंड करते हैं? इट ऑल डिपेंड्स। जैसे अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं तो आप इंडिया से OCI नहीं अप्लाई कर सकते। जी, इंडिया से OCI अप्लाई करने का दो क्राइटेरियाज है, एक आपको होना चाहिए फैमिली वीज़ा पे, और दो इंडिया में आपकी स्टे होनी चाहिए 6 महीने के लिए। जी। वो पीरियड क्रॉस करने के बाद ही आप इंडिया से OCI अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आप इंडिया में 9 महीने रुक रहे हैं या उसके ऊपर रुक रहे हैं, बिकॉज OCI में 2 से 4 महीने लग सकते हैं, तो उस केस में इंडिया से अप्लाई करना बेटर रहता है। जी। अगर आप इतने ड्यूरेशन के लिए नहीं रुक रहे हैं, तब आपका बेस्ट है कि आप जाके अपने होम कंट्री से अप्लाई करिए। जैसे कई लोगों का क्या होता है, जॉब होती है किसी कंट्री में, बच्चा वहाँ पैदा होता है, वहाँ की नेशनलिटी होती है, फिर उनको जॉब छोड़ के वापस आना पड़ता है, वो टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, तो उस केस में टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट करना पड़ता है एक्स वीज़ा में, 6 महीने रुकना पड़ता है, और उसके बाद OCI अप्लाई कर सकते हैं। जी सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है मेरा कि कोई बहुत सारे नेशनलिटी के जो है यहाँ पर पेरेंट्स आते हैं, उनके बच्चे का जन्म इधर हो जाता है, तो उस केस में उनको क्या करना होता है? देखिए, अगर बाय चांस आपने डिसाइड करा है, अगर इंडिया में बच्चा पैदा हो रहा है तो आपने टेक्निकली डिसाइड कर रखा है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बच्चा पैदा होते ही विद इन 2 वीक्स आपको FRO को इन्फॉर्म करना है कि बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि पासपोर्ट मिलने में टाइम लगता है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको 10,000 से 50,000 का फाइन लग सकता है, और वो ईमेल की कॉपी आप रखिएगा। जब आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या कैटेगरी है, डिपेंडेंट वीज़ा बच्चे को मिलेगा। तो सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप लास्ट टाइम हमारी जब मीटिंग हुई थी तो आपने एक चीज़ बताई थी, काफ़ी लोग ब्लैकलिस्ट भी हो जाते हैं कुछ रीजंस की वजह से, तो वो रीज़न आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, ब्लैकलिस्ट होने के बहुत कारण होते हैं। एक तो अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी इंडिया में करते हैं, या आपकी जो वीज़ाज होती हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप वायलेट करते हैं, आप ओवरस्टे करते हैं, तो इस केसेस में गवर्नमेंट ये व्यू लेती है क्योंकि आपने वीज़ा का वायलेशन करा है या क्रिमिनल एक्टिविटी करी है या सिविल लीगल इश्यूज करे हैं, तो आपको इंडिया से ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। द ब्लैकलिस्ट नॉर्मली क्या होता है, एक परमानेंट ब्लैकलिस्ट होता है अगर क्रिमिनल केस हो, दूसरे अदर वायलेशन के केसेस में आपको 2 साल का ब्लैकलिस्ट मिलता है। अब ब्लैकलिस्ट निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि 2 साल तक कोई ये फाइल नहीं टच करता, फिर किसी को पर्सनली इंटरवीन करना पड़ता है, बिकॉज ऑटोमेटिकली नहीं रिमूव होता, आपको मिनिस्ट्री से बात करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, और ब्लैकलिस्ट निकालने का प्रोसेस कभी पॉसिबल ही नहीं होता, और कई केसेस में होता है तो वो कम से कम 1.5 से 1.5 साल से 2 साल लग सकता है, 2 साल के ब्लैकलिस्ट के पीरियड के बाद। ये बहुत परेशानी वाला काम है। हाँ, ब्लैकलिस्ट इसलिए लोगों को कहता हूँ, जो भी इंडिया है, आप प्लीज़ इंडिया का वीज़ा का वायलेशन ना करें, जो आपके वीज़ा की ड्यूरेशन है उसमें आप वापस चले जाएं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहें, और कोई तो बेसिकली टूरिस्ट के लिए आए हैं टूरिस्ट की तरह रहिए, बिजनेस के लिए आए हैं बिजनेस की तरह रहिए, बिकॉज एक बार ब्लैकलिस्ट होने के बाद वीज़ा मिलना बहुत ही बहुत मुश्किल है। जी, तो सर ने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन FRRO के बारे में बताई है, तो सर आपके साथ अगर कोई मीटिंग रखना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, तो कैसे मिल सकते हैं, आप ज़रा इन्फॉर्मेशन बताएं। बेसिकली बड़ा सिंपल सा है, हमें डायरेक्टली फ़ोन कर लें 9958207763, या हमें ईमेल डाल दें sandy@s2immigration.co.in। किसी भी टाइम आप फ़ोन कर लीजिए, मैसेज दे दीजिए, और हम विल बी हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट है FRRO से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में मैसेज डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। एक चीज़ मैं राहुल ज़रूर बोलना चाहूँगा बस सारे आपके व्यूअर्स को कि राहुल इज़ डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब, यू मस्ट सपोर्ट हिम, ही इज़ गिविंग गुड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। लोग काफ़ी अरसे से फंस जाते हैं, उनको आंसर्स नहीं मिलते, तो इस राहुल को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। जी सर, थैंक यू सो मच सर।